बहन कुमारी मायावती जी के बारे में चंद शब्द कहना चाहूंगा, इसके बाद मैं विदा चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर मैं हर कौम से पूछता हूं, हर धर्म से पूछता हूं, इस देश की जनता से पूछता हूं कि किसी भी पार्टी के अंदर आप उठा करके देख लो कितनी महिला नेता हैं और कितनी महिला नेता कामयाब हैं। अगर उंगलियों पे गिनाऊं तो सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी की भी आती है, उसके अंदर कितनी महिला नेता है और कितनी समाज में इन्वॉल्व रहती है और कितनी सामाजिक मुद्दों को उठाती है, कितना आगे आती है, कितना दबे कुचले बहुजन समाज या फिर मुस्लिम जैन सिख ईसाई वर्ग कोई भी वर्ग या फिर सामान्य जाति का गरीब आदमी किसकी आवाज उठाती है, किसी की नहीं। ऐसे ही आप देख लो उठा करके बीजेपी में, अरे बीजेपी में तो चोर भरे पड़े हुए हैं। आज बड़े मुद्दों के ऊपर भी बातचीत चल रही थी, अब अन्ना हजारे का आंदोलन होता है, हमारी देश की विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज जी अन्ना हजारे के आंदोलन में सिर के ऊपर सिलेंडर रख के कितना बेहुदगी से डांस किया जाता है, क्या किसी महिला नेता को यह शोभा देता है? एक बड़ा सवाल पूछता हूं मैं, बड़े सम्मान के साथ पूछता हूं मैं, क्या शोभा देता है वो? फिर हमारी नेता कैसे हो सकती है? स्मृति ईरानी के बारे में आप जानते ही हैं, मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, कौन कह सकता है उसको नेता? इसके अलावा बीजेपी में बताओ पुरुष राज चल रहा है, सारी स्त्री विरोधी मानसिकता पूरी बीजेपी के अंदर, और कांग्रेस तो है ही एक परिवार की, इसके अलावा और पार्टियों को उठा करके देख ले, लेफ्ट को उठा ले, इसको उठा ले, उसको उठा ले, नहीं कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के ऊपर शासन किया, जवाब दे दे पूरा देश कि आज तक इन सालों में कोई दंगा हुआ? बीजेपी का राज आते ही दंगे होने शुरू हो जाते हैं, बहन जी के राज में एक दंगा नहीं हुआ, कैसा होता है? वो है हमारी बहन जी, बहन जी के राज में जो आज मंत्री बने बैठे हैं ना, इनकी सत्ता इनकी सरकार आने के बाद में वो जेलों में जाकर के बैठे थे, उनको जेल में ठोक दिया था और साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में तुम्हारी गुंडागर्दी जितनी होगी ना उतनी हो गई, या तो यूपी छोड़ के भाग जाओ ना फिर जेल जाने की तैयारी कर लो। वो है हमारी बहन जी, महिलाओं का, पूरे देश की महिलाओं का सम्मान है हमारी बहन जी, आम नागरिक का सम्मान है हमारी बहन जी, और गुंडों के लिए तलवार है हमारी बहन जी। अपने आप को बड़ा गुंडा कहते थे, मंत्री बने बैठे हुए, नाम नहीं लूंगा, जेल में उठा के फेंक दिया था बिल्कुल, गठबंधन है सर। तो आप समझ सकते हैं वो हमारी बहन जी है, पूरे देश के अंदर एक सशक्त शक्तिशाली आयरन लेडी, जिंदा देवी, गरीबों की मसीहा, महिलाओं की मसीहा, युवाओं की मसीहा, बुजुर्गों की मसीहा, इस पूरे देश की मसीहा, एक वर्ग की नहीं सर्व समाज की, पूरे भारत की अगर कोई आयरन लेडी है और वास्तविक प्रधानमंत्री पद की दावेदार है तो वो है बहन कुमारी मायावती, वरना सारे ये। We'll be right back.